हेलो दोस्त, बिहार की जनता जागरूक है और विद्यार्थी भी जागरूक है। एलपी टेक्नीशियन वैकेंसी में रेलवे को कम से कम इस मोड में डरा दिया है कि करेक्शन और डिटेल देना शुरू कर दिया है वैकेंसी गलती देने के कारण। अगर वैकेंसी गलती होती तो इतनी हड़बड़ी नहीं होती। अब आने लगा है तीसरा नोटिस एक दिन में, टेंटेटिव एग्जाम डेट। और सबको पता है कि रेलवे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ सही तरीके से दिया जाता है, तो ना एक कदम आगे आएगा ना एक कदम पीछे जाएगा जो उन्होंने नोटिफिकेशन या वैकेंसी कैलकुलेशन किया है। लेकिन अगर गलती होगी तो आगे पीछे सब कुछ चलना पड़ेगा। अभी देखिए क्या क्या होता है। तो लगभग टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट का कैलेंडर जारी हो गया है, वो वेबसाइट पे देख लीजिएगा, आपने देख भी लिया होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, चंडीगढ़ के मैं वेबसाइट पे हूँ, यहाँ एलपी की टेंटेटिव टाइमलाइन या टेंटेटिव कैलेंडर एलपी का आ गया है, जो नोटिफिकेशन अभी तीनों देख सकते हैं। 29-30 के डेट में तीन नोटिस आ गए हैं। तो टेंटेटिव डेट में देखेंगे तो सीबीटी 1 अगस्त 2024 में दे दिया है, जून से लेकर अगस्त तक, जून जुलाई अगस्त तीन महीने का टेंटेटिव डेट है। इतना में तो इनका कैलेंडर भी नहीं पूरा होगा और ना एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी भी, अभी देखिए क्या होता है, वो भी फाइनल करना है। सेकंड सीबीटी का इन्होंने टेंटेटिव सितंबर दे गया है, आपका सीबीएटी का नवंबर 24 है और आपका शॉर्टलिस्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिसंबर में हो जाएगा, नवंबर दिसंबर में, यानी एक ही साल में हो जाएगा। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, वैकेंसी इंक्रीज करके जोड़ दीजिए। कैंडिडेट के लिए एग्ज़ाम कैलेंडर हो जाएगा कि 2024 में आई वैकेंसी 2024 में ही क्लियर हो गई, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है रेलवे को, लेकिन वैकेंसी बढ़ा देंगे तो 10 लाइक बढ़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।